दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड के, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि आज के एपिसोड में टूटा है अभी मनु का दिल, वो अभी बहुत बुरा वाला। और वो इसलिए टूटा है क्योंकि अबीर लिखता है हॉस्पिटल के नाम पर एक चिट्ठी जिसमें वो पूछना चाहता है कि उसके पिताजी कौन है। वही ये चिट्ठी अभी मनु के साथ जाता है अबीर पोस्ट करने, बट वो उसके हाथ से स्लिप हो जाती है क्योंकि वो अभिमन्यु को पीछे देख लेता है, क्योंकि वो चाहता था कि किसी को भी पता ना चले कि वो चिट्ठी पोस्ट कर रहा है। इसलिए जब अभिमन्यु उसके पीछे होता है तो वो चिट्ठी उसके हाथ से स्लिप हो जाती है और नीचे गिर जाती है। वहीं अभिमन्यु उस चिट्ठी को देख लेता है और सोचता है कि मैं इस चिट्ठी को खोलूं या ना खोलूं। बट फिर बाद में वो फैसला करता है कि मैं उसका डॉक्यूमैन भी हूँ और उसका पिता भी हूँ, तो उस अक्सर मैं इस चिट्ठी को खोल सकता हूँ। तो जैसे ही वो उस चिट्ठी को खोलता है, उस चिट्ठी में उसे देखने को मिलता है कि अभीर ने हॉस्पिटल वालों से पूछा है कि आखिर कौन है उसके पिताजी। यही सब देख कर अभिमन्यु की आंखों में आते हैं आंसू और वो सोचता है कि आज तो अभीर को मैं किसी भी कीमत पर बता ही दूंगा कि मैं ही उसका पिताजी। सो दोस्तों, जब अभिमन्यु दौड़ता हुआ अभीर के पास जाता है तो वहीं वो देखता है कि अक्षरा, अभिनव और अभीर एक तीनों एक साथ बहुत खुश नजर आते। तो यही सब सोचकर अभिमन्यु अपने पांव पीछे खींच लेता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कब तक अभिमन्यु अपने पांव पीछे खींचेगा? हमें कमेंट करके जरूर